दिल्ली में दंगे भड़काने और अंकित शर्मा की हत्या के आरोपी ताहिर हुसैन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 6 दिन से फरार ताहिर हुसैन राउज एवेन्यू कोर्ट में सरेंडर करना चाहता था, लेकिन अदालत ने इनकार कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने ताहिर को कोर्ट की पार्किंग से गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच आरोपी ताहिर हुसैन से पूछताछ कर रही है। पूछताछ में क्राइम ब्रांच ने ताहिर से 15 सवाल किए। ताहिर से पूछा गया कि 25 फरवरी को अंकित शर्मा की हत्या हुई, तब आप कहां थे? आरोपी से ये भी पूछा गया कि उसके घर की छत पर इतने पत्थर, पेट्रोल बम और गुलेल कहां से आईं। ताहिर के खिलाफ अब तक 3 FIR दर्ज हो चुकी हैं। क्राइम ब्रांच की टीम अब ताहिर हुसैन के भाई शाह आलम की तलाश कर रही है। अंकित शर्मा के परिवार ने आरोपी ताहिर हुसैन को कड़ी सजा देने की मांग की है। साथ ही ताहिर हुसैन के भाई शाह आलम की भी तलाश क्राइम ब्रांच की टीम कर रही है। दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर लगातार नए वीडियो सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली दंगों से जुड़ा एक और वीडियो सामने आया है। ये वीडियो 25 फरवरी का है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक शख्स ने हेलमेट पहना हुआ है और वो मौजपुर के पास विजय पार्क इलाके में गोली चला रहा है। दंगाई इसी तरह अपने आप को छिपा कर और प्रोटेक्ट करते हुए भीड़ पर हमला कर रहे थे। दिल्ली दंगों में सरेआम गोलियां चलाने और पुलिसकर्मी पर पिस्टल तान देने वाले शाहरुख पठान की कार दिल्ली पुलिस ने जब्त कर ली है। आरोपी शाहरुख को पुलिस टीम पहले ही शामली से गिरफ्तार कर चुकी है। आपको बता दें कि दिल्ली हिंसा को लेकर अब तक 654 केस दर्ज हुए हैं। आर्म्स एक्ट को लेकर पुलिस ने 47 केस दर्ज किए हैं, साथ ही 1820 लोगों को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली हिंसा से प्रभावित इलाकों का दौरा किया और कहा कि स्थिति अब धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है, स्कूल भी खुल रहे हैं। जितना भी नुकसान हुआ है उसका असेसमेंट किया जा रहा है, लोगों को मुआवजे का पैसा भी दिया जा रहा है। अमन कमेटियों को कॉलोनियों में जाना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि हमें अमन चैन से रहना चाहिए। इस बीच कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 31 मार्च तक राजधानी के सभी प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का ऐलान किया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने भी राजधानी के सभी 5वीं तक के स्कूल 31 मार्च तक बंद कर दिए हैं। दिल्ली सरकार ने सरकारी दफ्तरों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर रोक लगा दी है। सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए सभी निजी अस्पतालों को तैयार रहने और जरूरत के मुताबिक आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था करने को कहा है। बीती रात दिल्ली में झमाझम बारिश होने से मौसम में ठंड बढ़ गई है। दिल्ली के कुछ इलाकों में रात भर बारिश होती रही, कहीं कहीं सड़कों पर जल जमाव भी देखा गया। बेमौसम हुई इस बरसात से दिल्ली वाले जहां खुश हैं, वहीं दिल्ली और आसपास के किसानों की फसलों के लिए ये बारिश काफी नुकसानदायक है। दिल्ली दंगों पर इस्लामिक देश ईरान ने भारत को नसीहत देने की कोशिश की है। ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्लाह खामनेई ने ट्वीट कर कहा है कि भारत में मुसलमानों के नरसंहार पर दुनिया भर के मुसलमानों का दिल दुखी है। भारत सरकार को कट्टर हिंदुओं और उनकी पार्टियों को रोकना चाहिए। इस्लामी दुनिया की ओर से भारत को अलग थलग किए जाने से बचने के लिए मुसलमानों के नरसंहार को बंद करना चाहिए। खामनेई ने अपने ट्वीट में #IndianMuslimInDanger का भी इस्तेमाल किया है। दिल्ली में हुए दंगे भारत का आंतरिक मामला है और इन दंगों में मुस्लिम के साथ हिंदुओं की भी जान गई है। आपका मनपसंद न्यूज चैनल जी हिंदुस्तान अब तमिल और तेलुगु में भी उपलब्ध है। भाषा बदलने के लिए अपने रिमोट पर लैंग्वेज का बटन दबाएं, तमिल या तेलुगु को अपनी पसंदीदा भाषा के तौर पर चुनें और ओके का बटन दबाएं। जी हिंदुस्तान इन सभी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। चैनल देखने में किसी तरह की परेशानी होने पर कृपया अपने केबल ऑपरेटर या DTH सर्विस प्रोवाइडर को फोन करें या व्हाट्सएप नंबर 8588806221 पर शिकायत भेजें।